Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As now we are in chapter number 2, computational thinking and algorithm, and today we will discuss the principles of computational thinking. So the first one is logical thinking and the second one is algorithmic thinking. So first of all we are going to discuss the logical thinking. Logical thinking refers to analyzing a particular situation or problem using reasons and accordingly reach up to one or more decisions that are sensible. अच्छा आपके पास कोई भी problem होती है, आप उस problem को reasons के बेस पे उसको क्या करते हैं, आप उसमें reasons find out करते हैं और फिर उस बेस पे आप decision लेते हैं. तो logical thinking में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास reasons होती हैं, कुछ reasons होती हैं, उनकी बेस पे हम क्या करते हैं, decision लेते हैं ताकि हम problem को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली क्या करेगा, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स क्लियरली एंड फाइंड सॉल्यूशंस इफेक्टिवली. ठीक है, द सिचुएशन एनालिसिस रिक्वायर्ड गैदरिंग ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स एंड देन डिसाइड्स द बेस्ट वे बेस्ड ऑन द रीजंस. आप क्या करते हैं, सिचुएशन में आप एनालिसिस करते हैं, आप जो भी चीज़ें फैक्ट्स वगैरह होते हैं उनको गैदर करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ रीजंस आते हैं और उस रीजंस के अकॉर्डिंग आप जो है वो डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं जो कि बेस्ट होता है आपके लिए. फॉर एग्जांपल यू एंटर योर होम एंड सी वाटर ऑन द फ्लोर. सो व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड. आप घर में जैसे ही एंटर हुआ, आपने पानी देखा तो आप सोचेंगे कि मतलब ज़ाहिर आप थिंक करेंगे कि ये कैसे हुआ. टू सॉल्व सम प्रॉब्लम यू नीड रीजनिंग स्किल्स डैट आर बेस्ड ऑन एविडेंस एंड फैक्ट. आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको रीजनिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है और उन रीजनिंग स्किल्स की बेस पे आप क्या करते हैं, बेसिकली वो रीजनिंग स्किल्स क्या होते हैं, उसमें आपके पास कुछ एविडेंसेज होते हैं, आप फैक्ट्स होते हैं, उसकी बेस पे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग में हमारे पास कुछ ना कुछ रीजनिंग्स होते हैं, उन रीजनिंग्स की बेस पे हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं. अब फैक्ट्स, या इस्लामाबाद इज़ अ सिटी, सिटीज हैव अ मेयर और सम इक्विवेलेंट इंफ्रारेड. इस्लामाबाद हैज़ मेयर और सम इक्विवेलेंट. सो बेसिकली हमारे पास ये दोनों क्या है, फैक्ट है और उस पर हम कोई ना कोई इंफ्रारेड जनरेट करते हैं. वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज टू थिंक लॉजिकली. द कंप्यूटर्स यूज लॉजिक इन थिंकिंग कंप्यूटेशन बट इट डज नॉट मीन्स दैट दे थिंक लॉजिकली. देखें आपका कंप्यूटर जो है वो रीजनिंग, ठीक है, आपको रीजनिंग भी बता देगा, प्रॉब्लम उसको बताएंगे, वो आपको सॉल्व भी कर देगा, किस डिसीजन पे आपने उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया ये भी वो आपको बता देगा. ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर रीजनिंग की कैपेबिलिटी, डिसीजन की कैपेबिलिटी आप खुद उसके अंदर जनरेट करते हैं. अगर आपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम लिखा है और उसमें आपने रीजनिंग स्किल्स को नहीं उसके अंदर आपने एंटर किया, या आपने उसको डिसीजन का मतलब फीचर आपने उसके अंदर नहीं ऐड किया, फंक्शन उसके अंदर नहीं ऐड किया, तो वो तो नहीं करेगा. ठीक है, अच्छा कंप्यूटर क्या होते हैं कि वो आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम आपको कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग तो दे देते हैं, बट इसका यह मतलब नहीं होता कि कंप्यूटर लॉजिकली थिंक करते हैं. ठीक है, कंप्यूटर तो थिंक करते ही नहीं है, जो चीज़ हम जो फॉर्मूला जो वेरिएबल जो चीज़ें हम कंप्यूटर को बताएंगे वही उसी पे वो काम करेगा. द कंप्यूटर देन सेल्फ कांट परफॉर्म लॉजिकल थिंकिंग अनलेस दे आर प्रोग्राम टू डू सो. प्रोग्राम टू डू सो, आप जब तक कंप्यूटर को उस लॉजिकल थिंकिंग पे आप उसको प्रोग्राम नहीं करेंगे, वो तो नहीं, कंप्यूटर तो थिंक कर ही नहीं सकता ना. जो प्रोग्रामर उस प्रोग्राम के अंदर लिखेगा, जो प्रोग्रामर उस कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह से रीजनिंग रीजन को फीड करेगा, तो वो वही उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बता देगा. बाई डिवेलपिंग द एपेबिलिटी ऑफ अलाइंग प्रोग्रामिंग सॉल्विंग विद टेक्नोलॉजी एंड फोकसिंग ऑन प्रोसेस एज वेल एज बाई डिवेलपिंग द एपेबिलिटी ऑफ अलाइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग विद टेक्नोलॉजी. हम प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर एंटर तो करेंगे कंप्यूटर के अंदर, साथ में हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी भी, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड फोकसिंग ऑन दी प्रोसेसेस एज वेल एज सॉल्यूशन. हम प्रोग्रेस पे भी, प्रोसेस पे भी फोकस करते हैं और साथ में सॉल्यूशंस पे भी. सो लॉजिकल एंड थिंकिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हमारे पास क्या होता है, पहले लॉजिकल थिंकिंग, फिर उसको डिकम्पोज किया, फिर उसको जर्नलाइजेशन में किया, देन एल्गोरिथमिक डिज़ाइन हो गया, और लास्ट में हमारे पास क्या होती है, उसकी एब्स्ट्रैक्शन होती है. ठीक है, तो ये आपके पास लॉजिकल थिंकिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग की आपके पास डायग्राम है. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा. थैंक यू सो मच.